और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, देखिए अब बात कंगना रनौत पर उस विवादित पोस्ट की कर लेते हैं जिसके बाद सियासी घमासान काफी छिड़ गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, जिनके कंगना पर पोस्ट को लेकर बीजेपी आज चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ओम प्रकाश और संजय मयूख चुनाव आयोग से मिलेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता की लिखित में वहां पर शिकायत करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट का ये मामला जिसमें कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि सुप्रिया श्रीने के उस पोस्ट को लेकर ये संग्राम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। बीजेपी इसे लेकर अब यहां पर शिकायत दर्ज कराने के मूड में है और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने के एक्स हैंडल से किए गए विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है। कंगना ने कहा कि वो उस अभद्र टिप्पणी से आहत हैं, भद्दी टिप्पणी से उन्हें दुख हुआ है। कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंची हैं और इस पोस्ट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी। इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी, मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक अभिनेत्री हूं और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है और किसी भी महिला को अपमानित करना, सेक्सुअलाइज करना और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। तो कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने की विवादित टिप्पणी का ये मामला लगातार गरमा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग और सांसद नवनीत राणा ने सुप्रिया श्रीने पर कार्रवाई की मांग की है। हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। सिर्फ कंगना रनौत के ऊपर बोलना, मतलब सिर्फ कंगना रनौत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। कांग्रेस पार्टी ऐसी महिलाओं के नाम पे इस तरीके की अशोभनीय जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसका हम पूरे देश की सभी महिलाएं बहुत कड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस को उनकी जगह जरूर इस देश की महिलाएं इस बार दिखाएंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताया और विवाद पर बयान देने से वो बचते हुए नजर आए, जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रिया श्रीने पर कार्रवाई की मांग की। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। हिमाचल के मंडी की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत अपनी जीत का दावा कर रही हैं तो मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो
देखने वाली बात है। ये मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कंगना पर विवादित पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की, आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। अभी बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। तो कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, बीजेपी कार्रवाई की मांग लगातार सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।